नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। टिक्की, आपने तरह तरह की टिक्की खाई होगी और टिक्की का नाम सुनते ही मुंह में पानी भी आ जाता है क्योंकि टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है। तो आज हम आपको मक्के की टिक्की बनाकर बताएंगे। इसके लिए हमने सामग्री ली है मेस किया हुआ आलू 4, कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, उबला हुआ कॉर्न है मक्के का दाना है 1 कप, तेल, गरम मसाला 2 छोटे चम्मच, आमचूर पाउडर 2 छोटे चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, अदरक लहसुन हरी मिर्च को दरदरा कूट लिया है हमने 1 बड़ा चम्मच, नमक, धनिया पत्ता है बारीक कटा हुआ 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मक्के की टिक्की। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे और इसके लिए हमने पैन रख दिया है और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, जीरा हमारी चटकने लगी है, अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो बारीक कूटा था हमने वो डालेंगे, पकाएंगे थोड़ा। अदरक लहसुन हरी मिर्च भी पक गई है, अब इसमें हम उबला हुआ कॉर्न डालेंगे, अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बॉल लेंगे और उसके अंदर मेस किया हुआ आलू डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से। तो हमने सभी चीज़ें मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लिया है, अब इसमें से हम छोटा सा डो निकालेंगे इस तरह से। और उसे इस तरह से फ्लैट करेंगे बड़ा। इस तरह से। और उसमें हम अपनी ये फिलिंग जो हमने बनाई थी उसे डाल देंगे इस तरह से। और अब इसे चारों तरफ से मोड़ देंगे। और इस तरह से फिर से हम इसे गोल कर लेंगे इस तरह से और एक टिक्की का शेप इसे दे देंगे। इसी तरह से सभी हम टिक्कियों को बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने टिक्कियां बना ली हैं, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो कढ़ाही में तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम टिक्की को डाल देंगे, पलट लेंगे। इसी तरह से हम उलटते पलटते हुए टिक्की को फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। तो हमारी टिक्की अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से बाकी बचे हुए टिक्कियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी टिक्की बाहर से बहुत ही कुरकुरी बनी हुई है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। हम इसे कट करके दिखाएंगे आपको। तो लीजिए दोस्तों, मक्के की कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट टिक्की बनकर तैयार है। आप भी इसे जरूर बनाएं और इस लॉकडाउन का लुत्फ उठाएं। तो हमने आपसे रेसिपी शेयर की है, आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।